कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान को एक झटका और लगने जा रहा है। कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का साथ पाने के लिए गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान को चीन के अलावा किसी का समर्थन नहीं मिला। यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की असलियत दुनिया को पता है और अब पीएम की फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा के बाद उसका दम निकलना तय है। पीएम मोदी आज तीन देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं, जिसमें भारत का पुराना साझीदार फ्रांस और दो प्रमुख मुस्लिम देश यूएई और बहरीन शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर विल बी ऑन बायलैटरल विजिट्स टू फ्रांस, यूएई एंड बहरीन एंड ही विल आल्सो अटेंड द G7 समिट इन एस बेरेट्स पार्टनर फ्रॉम 22 to 26 August. Prime Minister will be visiting France at the invitation of President Macron for the 2019 G7 summit in Biarritz as Biarritz partner. Prior to that, he will be in France on a bilateral visit. The Biarritz summit is on 24th to 26th of August, and the bilateral meetings in Paris between 22nd 23rd of August. पीएम की फ्रांस यात्रा इस मायने में खास है कि यहां वो G7 की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। ये मौका होगा दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देशों के नेताओं से मुलाकात का और अपनी बात रखने का। खास तौर पर पीएम की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से होगी, जिसमें कश्मीर पर चर्चा हो सकती है। Major shooting of howitzers of heavy arms, and it's been going on for a long period of time. But I get along really well with both of them, as you know. Prime Minister Khan was here just recently, and I'm going to be with Prime Minister Modi. I'll be with him over the weekend. फ्रांस के बायरेट्स में होने वाली G7 की बैठक में फ्रांस ने पार्टनर के तौर पर भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चिली, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, रवांडा, सेनेगल, बुर्किना फासो को भी बुलाया है। पीएम की इनमें से कई देश के नेताओं से मुलाकात हो सकती है, जिसका इस्तेमाल वो पाकिस्तान के कश्मीर पर प्रोपेगेंडा की हवा निकालने में कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। 1998 से ही भारत और फ्रांस के सामरिक रिश्ते रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के आपसी संबंध भी काफी दोस्ताना है। 2017 में पीएम फ्रांस गए थे और 2018 में मैक्रो भारत आए थे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसमें रफाल डील भी शामिल है। इस बार भी दोनों देशों के बीच रक्षा, नौवहन सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। फ्रांस के साथ जैतापुर परमाणु संयंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी बात होगी। इससे पहले ही इसे द्विपक्षीय मसला बताया है। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री यूनेस्को हेडक्वार्टर में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और 1950-1966 में एयर इंडिया के दो एयर क्रैश में मरने वालों को श्रद्धांजलि भी देंगे। 23 अगस्त को ही पीएम मोदी यूएई पहुंचेंगे। पीएम के इस प्रमुख मुस्लिम देश के साथ कितने करीबी रिश्ते हैं, ये इस बात से साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद यानी जायद मेडल से सम्मानित किया जाएगा। पीएम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। हाल के दिनों में यूएई और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। व्यापार के क्षेत्र में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार देश बन गया है। दोनों देशों के बीच करीब 60 अरब डॉलर का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। ये मौका यूएई को पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने का भी होगा। 24 अगस्त को ही पीएम यूएई से बहरीन पहुंचेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली बहरीन यात्रा होगी। पीएम बहरीन के राजकुमार शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत के अलावा कश्मीर पर भी भारत की स्थिति साफ करेंगे। प्रधानमंत्री का मनामा में श्रीनाथ जी मंदिर के रेनोवेशन की शुरुआत करने का भी कार्यक्रम है। पीएम यूएई और बहरीन में रुपए कार्ड भी शुरू करेंगे। यूएई और बहरीन की यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी 25 अगस्त को फिर फ्रांस के बियारेट्स जाएंगे, जहां वे रात्रि भोज में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में असमानता से मुकाबला विषय पर अपने विचार रखेंगे, साथ ही पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय पर होने वाली चर्चा में हिस्सा लेंगे। जाहिर है पीएम का तीन देशों का दौरा पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने और भारत की स्थिति को मजबूत करने का एक बड़ा मौका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।